तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न और उनके उत्तर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी वाकई में बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 12वीं में अच्छी परसेंटेज हासिल करना चाहते हो, यानी कि आप लोग 90% बनाना चाहते हो या फिर उससे ज़्यादा परसेंट बनाना चाहते हो, तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पर मैं आपको ऐसे प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो 90% आपके आसानी से बन जाएगी। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से यहाँ से ज़रूर समझ लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरा का पूरा अंक हासिल कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में 90% या उससे ऊपर के नंबर लाना चाहते हो तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं और जानते समझते हैं कि आपसे कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ से दो अंक वाले क्वेश्चन जान लेते हैं। तो देखिएगा दो अंक वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, संतुलित बजट का अर्थ लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, संतुलित बजट क्या होता है इसका अर्थ आपको बताना है। तो ये इसका आंसर लिखा गया है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो ये लिखा है, देख सकते हो, वस्तु की मांग कौन करता है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना कि वस्तु की मांग कौन करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है, और आपको यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को याद जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को देख लो, ये वाला क्वेश्चन, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में आपको अंतर बताना है। तो देखिएगा बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, अब देखिएगा अगर ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा हो तो इसको आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कर लो और इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कर लो, ठीक है ना, इन दोनों के नाम सेम ही होते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से समझ जाना इसको, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको पहला पॉइंट ये दिया गया है और दूसरा पॉइंट ये लिखा है, तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लेना, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पूर्ति की कीमत लोच को समझाइए। तो देखिएगा पूर्ति की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा देख लो और इसको याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्व घाटा का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा राजस्व घाटा क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा लिख लेना। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अल्पाधिकार से अधिकार से क्या आशय है। तो देखिएगा अल्पाधिकार से क्या आशय है, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में जो कि पूछा जाएगा, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, समष्टि आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी महामंदी कब एवं क्यों हुई। तो देखिएगा विश्वव्यापी महामंदी कब और क्यों हुई, इसको यहाँ से देख कर आप लोग याद कर लो, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ से देख ले, आय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। तो देखिएगा आय का सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये आपके पेपर में आएगा ज़रूर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग देख लो यहाँ से और पूरा का पूरा याद कर लेना। और इसके बाद में देखो एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मुद्रा के प्रमुख कार्य। तो देखिएगा मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो यहाँ से और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बजट क्या है। देखिएगा बजट क्या है, इसको भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा और याद कर लेना, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, यहाँ तक का पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो ये, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं।
जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये आपके पेपर में परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इसको आप सब लोग पढ़ लो और पूरा का पूरा याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं इसको भी आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। और उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो पूरा और इसको यहाँ से याद कर लो, ये आपके पेपर में आएगा ज़रूर। और पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं ये भी आपके पेपर में आएगा, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना पूरा। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, किसे कहते हैं, इसको पूरा का पूरा यहाँ से देख लो और याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, SLR किसे कहते हैं। तो देखिएगा, SLR क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग पूरा का पूरा देख लो यहाँ से और अच्छे से याद कर लेना, ये आपके पेपर में ज़रूर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, समग्र मांग के दो घटक। तो देखिएगा, समग्र मांग के दो घटक क्या क्या है ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप सब लोग ऐसा करो कि आप एक कॉपी को ले लो और उनमें सभी इन क्वेश्चन को आंसर को लिख लो, जिससे कि आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में जब आपकी परीक्षाएँ आएगी ना, उस समय आप सब लोग इनको बहुत फास्ट रिवीजन करके लिख कर भी आ जाओगे। तो आप सब लोग कॉपी में इनको लिख कर ज़रूर रख लेना। उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, न्यून मांग के कोई दो कारण। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, न्यून मांग के दो कारण आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है ये आपके पेपर में आएगा, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कंप्लीट कर लो। उसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है, उपभोग फलन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लो यहाँ से और पूरा का पूरा इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे इन क्वेश्चन को देख लो, जैसे कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। तो देखिएगा, प्रभावपूर्ण मांग क्या है ये भी आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिएगा, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये भी आपके पेपर में आएगा, इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है इसको भी आप लोग देख कर लिख लेना यहाँ से। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, निम्न स्तरीय वस्तु क्या है उदाहरण दीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि निम्न स्तरीय वस्तुएँ क्या हैं और इनका आपको उदाहरण देना है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कीमत की उच्च सीमा का अर्थ लिखिए। देखिएगा, कीमत की उच्च सीमा का अर्थ क्या है इसको भी आप लोग देख लें और पूरा याद कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, बाजार की संतुलन कीमत की विवेचना कीजिए। देखिएगा, बाजार की संतुलन कीमत क्या है इसकी विवेचना यहाँ से आपको करनी है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पढ़ लेना। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा गया है, औसत आय क्या है इसका सूत्र लिखिए, ये भी आपके पेपर में आएगा, तो इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा याद कर लो। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वैयक्तिक प्रारोज्य आय क्या है, यह बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा याद कर लो। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी है। देखो, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग पूरा पढ़ लेना, समझ लेना और इसको याद कर लेना, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम लिखिए। देखिएगा, इनके नाम लिख देना है, एक पहली है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक है विश्व बैंक, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। तो देखिए, ये भी आपके पेपर में आएगा और आपसे पेपर में परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, देख सकते हो, वैयक्तिक आय किसे कहते हैं। तो ये इसका आंसर लिखा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर लिखा है, इसको भी आप लोग याद कर लेना पूरा। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, सिटेरिस परिबस की मान्यता किसे कहते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, देख सकते हो ये वाला, लाभ किसे कहते हैं। तो देखिएगा, लाभ किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा लिख लो,
ठीक है। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, औसत उत्पाद किसे कहते हैं, तो देखिएगा औसत उत्पाद किसे कहते हैं, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ये। और उसके बाद में यहाँ से हम सभी के सभी तीन तीन अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इनको यहाँ से देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में तीन संबंध बताइए। तो देखिएगा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, यहाँ से देख कर लिख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है पूर्णतया लोचदार मांग तथा पूर्णतया बेलोचदार मांग को संक्षेप में समझाइए, तो ये भी आपके पेपर में आएगा। तो देखिएगा पूर्णतया लोचदार मांग ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा पूर्णतया बेलोचदार मांग ये लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो देखिएगा ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि 101% आपके पेपर में आने वाला है, तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लो पूरा का पूरा। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है स्थानापन्न वस्तुएं एवं पूरक वस्तुओं में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, यहाँ से देख कर लिख लो। पूरक वस्तुएं कौन सी होती है, यहाँ से देख कर लिख लो, ठीक है। ये आपके पेपर में इसमें अंतर जरूर पूछा जाएगा, तो आप सब लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तीन कारक लिखिए। तो देखिएगा पहला कारक ये लिखा है, दूसरा ये लिखा गया है, और उसके बाद में देखिएगा तीसरा कारक ये लिखा है, चौथा ये लिखा है, ठीक है ना, सभी को याद कर लो आप तो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो देखिएगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या क्या है, यहाँ से देख लो। पहला अंतर ये लिखा है, दूसरा अंतर ये लिखा गया है, इस प्रकार से आप सब लोग देख लेना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना करनी है, तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख दो पूरा का पूरा ये। और यहाँ तक का बता दिया मैंने आपको पूरा, पूरा का पूरा समझ लिया आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएँ हैं। तो देखो ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। देखो पहली विशेषता ये लिखी है, आप सब लोग देख कर लिख लेना। दूसरी विशेषता ये लिखी है, तीसरी विशेषता ये लिखी है, और उसके बाद में देखिएगा चौथी विशेषता ये यहाँ पर आपको दी गई है। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, समग्र मांग क्या है, प्रमुख अवयव लिखिए। तो देखिएगा समग्र मांग क्या है, इसके अवयव आपको बताने हैं, तो यहाँ से आप सब लोग लिख लेना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मितव्ययिता के विरोधाभास को लिखिए। तो देखिएगा मितव्ययिता के विरोधाभास क्या है, इसको पूरा का पूरा देख लो यहाँ से आप सब लोग, और इसको अच्छे से याद कर लेना ये। और ये पूरा का पूरा चित्र बनेगा इसमें, इस तरह से ये पूरा याद कर लेना यहाँ तक का। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, इसको भी पूरा याद कर लो। तो देखो पहला उद्देश्य ये लिखा है, दूसरा उद्देश्य ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो तीसरा उद्देश्य ये लिखा है, तो इस प्रकार से आप सब लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए क्यों, व्याख्या कीजिए। तो देखो इसकी व्याख्या यहाँ से देख कर लिख दो आप सब लोग पूरा का पूरा, यहाँ पर मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है उसका आंसर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लाभ अधितमीकरण की तीन शर्तें। तो देखिएगा लाभ अधितमीकरण की तीन शर्तें क्या क्या हैं, यहाँ से देख कर आप लोग लिख लो पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण की तीन शर्तें लिखिए। तो देखिएगा नीतिगत उपकरण लिखिए। तो देखो ये भी आपके पेपर में आएगा, तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लो सारा का सारा यहाँ से, और इसको याद कर लो। अगला क्वेश्चन, वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले तत्व को लिखिए। तो इसको भी पूरा का पूरा देख लो यहाँ से और याद कर लेना, ये आपके पेपर में पूरा का पूरा ज़रूर पूछा जाएगा। ये आप सब लोग देख लो, ये इनके पॉइंट्स हैं जो कि आपके पेपर में आएंगे। और उसके बाद में हम आगे यहाँ से चार चार अंक वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपके पेपर में इसी प्रकार से परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में आएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन तो ये, लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। तो देखो लागत वक्र यू आकार के होने के क्या क्या कारण हैं, पहला कारण है श्रम संबंधी बचते, दूसरा कारण है तकनीकी बचते, और उसके बाद में देखिएगा तीसरा कारण है विपणन की बचते, और चौथा कारण है प्रबंधकीय बचते, ठीक है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको याद कर लेना पूरा। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रिजर्व बैंक के कार्य। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, रिजर्व बैंक के कार्य यहाँ से आपको बताने हैं। पहला कार्य है नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंकर होता है ये, इसको भी आप लोग याद कर लें, और बैंकों का भी बैंकर होता है।
अब विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण भी ये करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, शाख नियंत्रण क्या है? तो देखो ये भी आपके पेपर में आएगा, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। समाशोधन गृह, ये भी आपके पेपर में आएगा इस प्रकार से, तो देखिएगा ये इसके ही पॉइंट है, तो आप सब लोग इसको भी याद कर लेना। एक ये वाला क्वेश्चन, मांग के नियम की व्याख्या रेखा चित्र के द्वारा कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मांग के नियम की व्याख्या करनी है आपको रेखा चित्र के माध्यम से, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेना पूरा का पूरा, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आएगा, मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है? तो देखो ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो पूरा का पूरा यहाँ से देख लो आप सब लोग और इसको समझ भी लो। ये बता दिया मैंने यहाँ तक का आपको, आप सब लोग इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के बीच अंतर। तो देखिएगा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बीच में क्या अंतर है, इसको भी आप लोग पूरा का पूरा देख लो और याद कर लो अच्छे से, ये आपके पेपर में परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, स्थिर विनियोग दर के दो गुण एवं दो दोष संक्षिप्त में लिखिए। तो देखिएगा पहला दोस्तों ये लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, पूंजी निर्माण होता है इससे। और उसके बाद में ये लिखे हैं दो दोष क्या क्या है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घाटे के बजट से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों के लिए संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग लिख लें इसको पूरा का पूरा, और ये मैंने बता दिया आपको घाटे के बजट के ये पॉइंट्स हैं। देखिएगा राजस्व घाटा, राजकोषीय या वित्तीय घाटा, या फिर देखिएगा प्राथमिक घाटा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेना। और एक ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा राजस्व व्यय ये लिखा है, पूंजीगत व्यय ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और इस प्रकार से इसके अंतर को याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मांग वक्र एवं मांग का नियम क्या है लिखिए। तो देखिएगा मांग वक्र क्या है ये लिखा है, और व्यक्तिगत मांग वक्र, और उसके बाद में देखिएगा बाजार मांग वक्र, और उसके बाद में देखो मांग का नियम क्या है, इसको यहाँ से देखकर लिख लो पूरा का पूरा, ये बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अनादिमान वक्रों की विशेषता आपको बतानी है। तो देखिएगा इसकी विशेषता यहाँ से बता दें आप सब लोग। उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिएगा लागत फलन की संकल्पनाएँ क्या क्या है, इसको भी देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा समझ भी लो। और उसके बाद में ये दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग याद कर लेना यहाँ तक का पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखिएगा इसकी विशेषताएँ क्या क्या है, पहले लिखिए आय विधि, और उसके बाद में देखिएगा पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको ये, और ये पूरी आय विधि को समझा देना आपको इस प्रकार से। और दूसरी है उत्पादन विधि, इसको भी आपको समझा देना पूरा का पूरा इस प्रकार से। और ये दोनों विधियों को समझा देना आपको, दो विधि अपन ने समझ ली यहाँ तक की। और उसके बाद में देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को देख लो, उत्पादन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक की पारिश्रमिक को क्या कहते हैं। देखिएगा पहला है भूमि, और उसके बाद में देखिएगा दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, और चौथा है संगठन और साहस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वस्तु की मांग पर विचार करें। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में आएगा और आप सब लोग इसको पढ़ लें और अच्छे से ये पूरा का पूरा याद कर लें। एक ये वाला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के मूल्य निर्धारण को समझाइए। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें पूरा और याद कर लें यहाँ से, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा यहाँ तक का, तो आप लोग समझ लेना। और एक ये वाला क्वेश्चन, कुल परिवर्तित लागत तथा कुल स्थिर लागत में क्या अंतर है, यानी कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में आपको अंतर बताना, सीधी सी बात ये है। तो देखिएगा पहला अंतर तो ये लिखा, दूसरा ये लिखा गया है, आप सब लोग पढ़ लें इसको। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग पर विचार करें। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, पूरा का पूरा देख लो यहाँ से और इसको हल कर लेना। तो देखिएगा आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न और उनके उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।